हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं स्वागत हर्ष में करता हूं, अपने जो भी सब्सक्राइबर लोग हैं जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं सभी को मैं स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल दीपक झा स्टडी मस्ती पे। और मैं हूँ दीपक झा। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग करते सर सोशल साइंस का वीडियो बहुत देर है, साइंस का फिर से चालू कीजिए, तो मैं सोचा कि चलो सोशल साइंस से फिर बैक आके साइंस पे आ जाते हैं और साइंस का वीडियो देते हैं, क्योंकि साइंस एंड सोशल साइंस मैं आपको बता चुका हूँ, खास करके अभी टेंथ के साइंस एंड सोशल साइंस का क्वेश्चन बराबर दे रहा है, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। जो एग्जाम में होने वाले हैं, जो जिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएंगे, वो एग्जाम में मेरे द्वारा गाइड किया हुआ और गेसिंग किया हुआ क्वेश्चन मैं अभी पीछे लाते रहता हूँ। और वो क्वेश्चन क्या होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ताकि आप लोग एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आसानी से आप लिख करके आए और आपका रिजल्ट आपके हाथों में हो। दोस्तों इसके लिए इस चैनल पे बनना होगा, जैसा कि आप लोग बन के देखते हैं काफ़ी अच्छा खासा प्यार आप लोग दे रहे हैं, मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस वीडियो को आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी किया कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हो जिनकी पढ़ाई रुकी हुई है और जिनका एग्ज़ाम सर पे है और पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो काश अगर उनके पास ये वीडियो जाती है तो इसके लिए क्या होगा, फायदा होगा। तो इसके लिए वीडियो को शेयर किया कीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक वॉच कीजिए, ताकि आपको जितना सारा मैं कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ आज, सारा के सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाए। और हाँ, मैं आपको हर वीडियो में कहते रहता हूँ कि अपने पास एक नोट कॉपी रखा कीजिए, क्योंकि नोट कॉपी में रखिएगा तभी आप क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा और उसको दोबारा रिवाइज कीजिएगा। और उसके बाद मेरा वीडियो रहता ही है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको बहुत सारे साइंस एंड सोशल साइंस का वीडियो आपको मिलते रहेगा, क्योंकि जो नए सब्सक्राइबर होंगे, जो नए व्यूअर होंगे, उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होगा, तो वो मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर के साइंस एंड सोशल साइंस का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे चुके हैं। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको प्लेलिस्ट में जाकर के 10th क्लास साइंस का एंड 10th क्लास का सोशल साइंस का आपको मिल जाएगा। आप उस पर जाकर क्लिक करके मेरा जितना सारा वीडियो है आप उसको पहले वॉच एक बार जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और आइए आपको बताते हैं आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या है और क्या नहीं, और जो भी टॉपिक होने वाला है जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी क्वेश्चंस क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कहीं ना कहीं फायदे होंगे। देखिए दोस्तों, हमारा जो आज टॉपिक होगा वो है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि संरचना सूत्र कैसे निकाले। जी हाँ, जो आणविक सूत्र दिया हुआ रहता है उसका हम संरचना सूत्र निकालेंगे, जो कि आज का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट ही है। आपको पता होगा कि एक से दो नंबर, सॉरी दो नंबर का क्वेश्चन इससे जरूर पूछता है कंफर्म, ऐसे दो से चार नंबर तक पूछ लेता है, लेकिन दो नंबर आपको कहीं जाने वाला नहीं है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा और सब्जेक्ट में भी दो नंबर क्वेश्चन एक दे देता है कि संरचना सूत्र इसका निकाले, ठीक है, चाहे वो सिंगल बाउंड डबल बाउंड ट्रिपल बाउंड कोई भी बाउंड से हो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हाँ, हमारा जो आज जो होगा वो आणविक सूत्र दिया हुआ है जिसका संरचना सूत्र निकालना है, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके बीच सिर्फ कॉन्सेप्ट लाया हूँ ताकि आप लोग समझ लें, और ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए तो आसानी से आप क्वेश्चन क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि हमारा नाम है, थोड़ा नाम पढ़ते हैं उसको, जैसे कि मिथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया और पेंटेन हो गया, ठीक है, एक सेन होगा, ऑक्टेन होगा, एनोन होगा, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ पांच आपको बताने वाला हूँ पेंटेन तक, ठीक है, यानी मिथेन से लेकर के पेंटेन तक मैं आपको बताऊंगा इसका संरचना सूत्र बना करके, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए, और ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ देता है आसानी से एग्जाम में आप लिख करके आइएगा, मेरा ये वादा है, ठीक है। तो इसके लिए इस चैनल पे बने रहिएगा, और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसमें बहुत सारा वीडियो मिलते रहेगा। देखिए सबसे पहला कि मीथेन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो CH4 होता है, CH4 ये याद कीजिएगा आणविक सूत्र, एथेन का C2H6 होता है, प्रोपेन का C3H8 होता है, ब्यूटेन का C4H10 होगा, पेंटेन का C5H12 होता है, ठीक है, ये आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आणविक सूत्र आपको याद करके तब इसका संरचना सूत्र आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए आपको ये आणविक सूत्र याद करना पड़ेगा, ये आप हमेशा याद कर लीजिए। आप ये पूछिएगा सर सी क्या है एंड एच क्या है, सी एच हम नहीं समझते, तो आपको तत्व आप जरूर पढ़े होंगे, धातु धातु जरूर पढ़े होंगे, तो कोई भी तत्व का जो संकेत होता है, और परमाणु संख्या परमाणु भार, परमाणु संख्या परमाणु भार जो भी होती है, द्रव्यमान भी होती है, उस सबको आप जरूर याद कर लीजिएगा, संकेत याद रहेगा तो आसानी से क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे मैं अभी बात कर लूँ, ब्रोमीन बीआर, ऑक्सीजन ओ, कार्बन सी, हाइड्रोजन एच, हाइड्रोजन एन, ठीक है, फास्फोरस होता है, फिर आपका लेड हो गया, जिंक हो गया, ब्रोमीन हो गया, आर्गन हो गया, चांदी हो गया, सबका संकेत और सबका परमाणु संख्या परमाणु भार आपको मिलते रहेगा, आप उसको पहले रीड कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, सी होता है कार्बन और एच क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन का संकेत सी हो जाएगा और हमारा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और इसका जो मिथेन का जो आणविक सूत्र होगा वो होगा CH4,
क्या होगा, CH4 और एथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन का C4H10 और पेंटेन का क्या होगा C5H12। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, ये क्या है कि CH4, अब देखिए CH4 है इसका मतलब क्या है, और C2H6, तो यहाँ गौर से देखिए ये C कर रहा है तो हम यहाँ पर C लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ C और कुछ नहीं तो 1, यानी कि 1 छुपा हुआ रहता है, 1 रहता नहीं है, और यहाँ पे C2 मतलब क्या है कि C2 होगा, H6 होगा, C3H8 मतलब C3 हो और H कितना 8 हो, C4H10 यानी C कितना 4 हो और H कितना 10 हो, C5H12 यानी कि C5 होगा और हमारा H जो होगा कितना होगा 12 होगा, 12 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे CH4 मतलब C एक है और हमारा H4 है, ठीक है। तो हम क्या कीजिए, आसानी से इसको बना लेंगे, देखिए क्या करेंगे, सिंगल बाउंड देंगे क्योंकि हमारा H4 ही है इसलिए, ठीक है, हमारा बन गया संरचना सूत्र, सबसे सिंपल है, पहले देखिए सब संरचना सूत्र कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग दीजिए आसानी समझ जाइएगा, तो CH4 ऐसा हो तो सी बीच में लिख दीजिए क्योंकि हमारा सी सिंगल था, क्योंकि मिथेन का CH4 सूत्र होता है, तो यहाँ पे हम सी लिख दिए और चारों तरफ से यानी लेफ्ट राइट अप एंड डाउन चारों साइड से सिंगल बॉन्ड में हम हाइड्रोजन क्या किए लगा दिए, ये हमारा हो गया मिथेन का सूत्र। अब नेक्स्ट देखा जाए एथेन का C2H6 होता है, तो C2H6 मतलब क्या, C2 एंड H कितना 6, यहाँ पे हम C2 लिखेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पे बताते हैं आपको, एक सी हो गया और इसके बीच एक सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, दो सी हो गया, हमारा H6 का रहा है, क्या कर रहा है H6, यहाँ पे देखिए एक H हो गया, दूसरा देखिए 2H, 3H, 4H एंड 5H एंड 6H। तो अगर देखिए क्योंकि हमारा C2 और H6 कितना 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है, अगर ये रहेगा तो अगर इस तरह मान लीजिए बना हुआ रहेगा, इसका कहेगा अन्य सूत्र लिखिए, तो आप बताइएगा C2H6 कैसे काउंट कीजिएगा, तो 1 एंड 2, और H6 कैसे काउंट कीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यानी कि ये हो जाएगा एथेन का, क्योंकि आपको अन्य सूत्र याद रहेगा, यानी आसानी से आप संरचना सूत्र भी बना सकते हैं, और यदि संरचना सूत्र दिया हुआ रहेगा तो उसका अन्य सूत्र आप लिख सकते हैं और उसका नाम भी लिख दीजिएगा, क्योंकि C2H6 का होता है एथेन, CH4 का होता है मिथेन, ठीक है। तो मैंने आपको दो बता दिया, एक C2H6 एंड CH4, क्योंकि CH4 में सिर्फ सी एगो सिंगल होगा और H4 हो गया, और C2H6 जिसका एथेन का अन्य सूत्र होता है, जिसका C2 और H6 1, 2, 3 काउंट करके आपको बता दिया 6 से हो गया, ठीक है। अब प्रोपेन का देखिए जिसका सूत्र होता है आणविक सूत्र C3H8, क्या होगा C3H8, इसको बना करके देखेंगे कैसे बनाएंगे, देखिए C3 कर रहा है तो 1C, 2C एंड 3C, ठीक है, हमारा H8 होना चाहिए, देखिए सिंगल बॉन्ड में लिखा है 1, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H एंड 8H, देखिए यहाँ पे C3H8, तो 1, 2, 3 C3 हो गया और हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब पे जितना सी है लेफ्ट राइट अप डाउन, ठीक है, पूरा लेकर के काउंट करने के बाद आपको 8 ही एज आएगा और सी हमारा कितना आएगा 3 आएगा, क्योंकि 3 सी पे अगर अप डाउन लेफ्ट राइट अगर हम एज का कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमारा कितना आएगा 8 आएगा, जो कि आपको पता होगा C3H8 किसका होता है, प्रोपेन का आण्विक सूत्र होता है, और जिसका संरचना सूत्र क्या होगा ये होगा, ठीक है, अब काउंट कीजिएगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। बच गया क्या C4H10 और C5H12 यानी कि ब्यूटेन का, ठीक है, ब्यूटेन एंड पेंटेन का बच गया, अभी आपको हम बताते हैं, इसी में आपको बताते हैं, आप जरूर समझ गए होंगे, आप इसको उतार लीजिए अच्छा से और मैं आपको C4H10 एंड C5H12 का आपको हम बताते हैं, ठीक है, हम इसको मिटाएंगे आपको बताने के लिए, आसानी से समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट एकदम इजी है और इजी तरीका से मैं आपको तोड़ के बता भी रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब देखिए ब्यूटेन C4H10 का रहा है तो हम C4 लिखेंगे, 1C, 2C, 3C एंड 4C, 4C हो गया, और H10 का रहा है 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H एंड 10H। अब काउंट कीजिएगा तो 1, 2, 3, 4 यानी सी का कॉम्बिनेशन कितना है 4 है, और एच को काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी हमारा एच जो होगा क्या होगा वो 10 होगा, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा सूत्र, आण्विक सूत्र, ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन का, ब्यूटेन का आण्विक सूत्र क्या होता है C4H10। मैं यहाँ से इसका ब्यूटेन का C4H10 का आण्विक संरचना सूत्र बना लिए,
अब अगर संसार सूत्र देकर गया है इसका आंगिक सूत्र लिखिए तो आप काउंट कर लीजिएगा 1 2 3 4 यानी 4C है ना, यानी C4 हो जाएगा सॉरी, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H10 यानी C4H10 आंगिक सूत्र लिखाएगा। और होता किसका है तो ब्यूटेन का होता है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दिया है कि ब्यूटेन का आंगिक सूत्र क्या होगा C4H10 और इसका संसार सूत्र क्या होगा कुछ इस प्रकार। ठीक है, समय से निकलवान होगा, समझ में आ गई बात। अब देखिए पेंटेन को देखा जाए, पेंटेन का क्या होता है C5H12, तो इसमें क्या होगा सी क्या होगा 5 होगा यानी कि 5 होगा। यहाँ पर काउंट करके लिखेंगे 1C 2C 3C 4C 5C। अब H कितना है 12 यानी कि H क्या होगा 12 गो होगा, कितना होगा 12 गो, तो बारी बारी से हम 12 को यहाँ पर दर्शाएंगे 1H 2H 3H 4H यानी कि एच बोले तो हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो 4 × 5 हो गया 6 7 8 9 10 11 एंड 12 यानी कि हाइड्रोजन यानी कि हमारा कार्बन क्या था 4 गो था और एच कितना यानी कि हाइड्रोजन कितना है 12 गो था। काउंट कीजिए नहीं सॉरी हम पेंटेन को बता रहे हैं, तो सी हमारा कितना होगा 5 होगा यानी कार्बन 5 होगा 1 2 3 4 5 और हमारा हाइड्रोजन कितना होगा 12 होगा। काम कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो H12 और C5 किसका होगा आण्विक सूत्र किसका होता है पेंटेन का होता है, यानी कि पेंटेन का आण्विक सूत्र C5H12 होगा और उसका संरचना सूत्र क्या होगा कुछ इस प्रकार होगा। तो आप इस सबको आसानी से उतार लीजिए अपनी नोट कॉपी में और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जरूर समझ गए होंगे। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो या अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप नीचे कॉमेंट में आसानी से पूछ सकते हैं और मैं उस कमेंट का जवाब आपको अवश्य दूंगा। ठीक है, तो मेरा मानना है कि पहले आप उतार लीजिए। ठीक है, उतार के आप इसको रिवाइज कीजिए 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए और ये आंगिक सूत्र जो भी याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों देख लीजिए उतार अगर हो गया होगा तो इसको दोबारा रिपीट करके वीडियो को देखिएगा ताकि आपको क्लियरली समझ में आएगा। अगर इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और इस चैनल पर मैं बार बार कहता हूँ कि नए हो तो प्लीज़ चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस पर बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे पढ़ाई संबंधित हो या मोटिवेशनल वीडियो आते रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।